और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में फिर आया भूकंप। जी हां, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश में फिर से भूकंप आया है और आपको बता दें कि ये भूकंप जो है लाहौल स्पीति में महसूस किए गए हैं झटके। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई है तीव्रता। भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर, 3 दिन के बाद भीतर ये दूसरी बार भूकंप है। जी हां, 3 दिन के अंदर अंदर ये दूसरी बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आया है सोमवार को, चंबा में था भूकंप का केंद्र और इस बार जो है वो इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो तीव्रता है वो 3.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर जमीन के नीचे बताया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक ये खबर अहम है। राजेंद्र हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या तफसीलात मिल रही है और किस तरह की वहां पर लोगों के तासुरात आ रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया वो किस तरह की है? हिमाचल में लगातार भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जा रहे हैं और अगर हम कहें पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले 2 बार चंबा में हो चुके हैं और अब लाहौल स्पीति में भूकंप आया है। अब हालांकि ये सभी भूकंप के झटके काफी कम तीव्रता के थे जिसके कारण जान माल का नुकसान कहीं नहीं हुआ है और भूकंप का केंद्र भी जमीन के काफी अंदर है जिसके कारण काफी कम इसकी तीव्रता रही है और नुकसान की कोई सूचना अभी तक नहीं है और जो पहले भी भूकंप आए थे हिमाचल प्रदेश में उनसे भी नुकसान की कोई सूचना नहीं थी, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था और जो आज भूकंप आया है इससे भी अभी तक नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से भूकंप के झटके आ रहे हैं ये चिंता का कारण हिमाचल प्रदेश में भी बना हुआ है। अब क्योंकि जोन 4 और जोन 5 में अधिकांश हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, पहाड़ी क्षेत्र है और तो ऐसे में जरूर चिंताएं बढ़ जाती हैं। हिमाचल में अगर हम कहें तो 2021-2020 में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और बड़ी संख्या में भूकंप लगातार आ रहा है, तो ऐसे में लोग डर जाते हैं जरूर क्योंकि पहले बड़े भूकंप के झटके आए हिमाचल प्रदेश में और नुकसान भी काफी हुआ है इससे। जैसे ही भूकंप आता है तो लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं और फिर आफ्टर शॉक का जो खतरा बना रहता है उससे बचने की कोशिश रहती है कि अगर नुकसान आफ्टर शॉक से हो तो उससे बचा जाए। लेकिन अच्छी बात रही कि इस भूकंप में भी आफ्टर शॉक नहीं आए और उसके बाद जो चंबा में भूकंप आए 2 दिन पहले और उससे पहले भूकंप आए उनमें भी आफ्टर शॉक नहीं आए हैं, तो ये राहत की बात है नुकसान की दृष्टि से। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र इस जानकारी के लिए। तो हफ्ते यानी कि 3 दिन के भीतर ये दूसरी बार जो भूकंप का झटका है ये थोड़ी चिंता जरूर बढ़ाता है लेकिन तीव्रता इसकी 3.7 है, इससे ऐसा लगता है कि घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के जन्मदिन पर 88वें जन्मदिन पर मैक्लोडगंज में शानदार जश्न मनाया गया। जश्न में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। दलाई लामा के जन्मदिन पर यहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे थे जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। बहुत 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 बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। क्या हुआ? So, आज मेरा गुरुजी के जन्म में मुझे को बहुत खुश हुआ। You know, I've already met him twice this year, so I'm very, very grateful and I'm very lucky. And it's amazing to see the culture of Tibet, listen to the music, see them dance. It's amazing, amazing experience. Thank you. ये डांस है जापानी, कलाकार भी जापानी, सिर पर टोपी भी जापानी, पर जश्न हिंदुस्तानी। ये दलाई लामा के 88वें जन्मदिन का जश्न है जो सिर्फ 24 साल की उम्र में चीनी सैनिकों से जान बचाकर तिब्बत से भागकर हिंदुस्तान पहुंचे थे। तभी से हजारों निर्वासित तिब्बतियों के साथ धर्मशाला में रह रहे दलाई लामा के जन्मदिन का ये जश्न मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा टेंपल चुगला खांग में मनाया गया।
इस वक्त हम लोग ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज के चुगला खांग बौद्ध मठ प्रांगण में मौजूद हैं और इसको जो है दलाई लामा टेम्पल भी कहा जाता है। इस वक्त देखिए कि इसी दलाई लामा टेम्पल में जो है आज बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपना 88वां जन्मदिवस जो है वो बड़े भव्य तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। खुद वो यहाँ पर मौजूद भी रहे हैं और ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है जब खुद इस तरह की सेलिब्रेशन में दलाई लामा जो है वो पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि आज इस खास मौके पर इसको और भी भव्य बनाने के लिए जो है इस प्रदेश के मुख्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भारी बरसात के बावजूद भी जो है चंडीगढ़ से पहली फ्लाइट के दरमियान जो है यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर आकर उन्होंने दलाई लामा की इस सेलिब्रेशन में जो है शिरकत की है। निर्वासित तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन के इस खास मौके पर सीएम सुक्खू सबसे खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए, जिन्हें यहां तिब्बती खतका देकर सम्मानित किया गया। हिज होलीनेस से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है जी जी। और उनसे बातचीत कर जिन मूल्यों को उन्होंने सजा कर रखा है वो हम सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। आज वो अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी वो पूरी तरह से यंग है। कुछ दिन पहले ही दलाई लामा ने कहा था कि वो अगले 20 सालों तक और जी सकते हैं और यहाँ उनके उससे भी ज्यादा साल तक जीवित रहने के लिए प्रार्थना की गई, जिसमें दुनिया के कई देशों के श्रद्धालु शामिल हुए। बहुत 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 बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। So, आज मेरा गुरुजी के जन्म में मुझे को बहुत खुश हुआ। You know, meeting, I've already met him twice this year, so I'm very, very grateful and I'm very lucky. I'm from Israel and it's amazing to see the culture of Tibet, listen to the music, see them dance. It's amazing experience. Thank you. दलाई लामा की पहचान अपनी संस्कृति, धर्म और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे योद्धा की है जिसने कभी शांति का मार्ग नहीं छोड़ा। इसे लेकर उन्हें नोबेल पुरस्कार और मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है और अब उनके लिए भारत रत्न की मांग भी तेज होने लगी है। इसका सीएम सुक्खू ने भी समर्थन किया है। विचित्र शर्मा, न्यूज 18, धर्मशाला। और वही लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने दलाई लामा के 88वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जीवित साल शे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्म जोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। दिरिंग माजात को छेनमो जी गैसपा जी कहता रू जीवे साल है तेने कहता सुस्तो रावे कहता सोख सिंह जी था रो तेने भी था लिख पोतेने कहता लदाख गुन सोख लदाख नंग सोख तंग तेने सोतना निम पोते जी चाक संके जुंगे लगा था चुआ जाते नो इजू ता मुला जिस कर नंग जिन तालान तेने गलवां था चाहत केन बे स्कूई ठुंकार बो कुंदुन इरु जुग सेस कर था चेजन 10 जुलाई जा फेफे से नो जात गो तंग पोते ने मा ग्या ग्या छेचे नंग पो मिमा संग में थुक दो दो पिन कहता छेचे से पिया। आज ले में His Holiness the 14th दलाई लामा जी का 88th बर्थडे यहाँ पर मनाया गया था है बाय द लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन इन कोलेब्रेशन विद ऑल लद्दाख कुंपा एसोसिएशन और CRO की तरफ से, जहाँ पर His Eminence जादो रिम्बोचे ऐसा चीफ गेस्ट है और अन्य जो अदर रिलीजियस हेड्स, पॉलिटिकल हेड्स, मंग्स रिम्बोचेस और नंस और अदर यहाँ पर और अदर गेस्ट भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, जब हमने बात की LBA प्रेसिडेंट थुपसन सेवांग जी से, उन्होंने कहा है कि उन्होंने यही लोगों से अपील की है कि आने वाले जो जुलाई के 10 तारीख को His Holiness दलाई लामा जी यहाँ ले में पधार रहे हैं, उसके लिए सभी लोग एयरपोर्ट में आए और उन्हें His Holiness दलाई लामा जी को वार्म वेलकम दें। कैमरा मैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मिनट न्यूज इन लद्दाख के लिए लेह से।
पानी पर तैरती रंगीन हाउस बोट्स। झील की कुदरती खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैद करते लोग। और हाउस बोट्स में बैठकर झील का नजारा करते पर्यटक। यह जम्मू कश्मीर की मशहूर बुल्लर झील बुल्लर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पहल का ही नतीजा है जिसने इस झील की तस्वीर बदल के रख दी। झील के संरक्षण और विकास के अलावा इस क्षेत्र के गरीब मछुआरों को अब रोजगार भी मिलने लगे हैं। महज 3 साल पहले यह झील ऐसी नजर नहीं आती थी, लेकिन अब यह झील स्थानीय और बाहरी पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। प्रभारी रेंज अधिकारी रियाज अहमद विभाग के कामकाज से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि वुल्लर झील को विकसित करने की पहल सार्थक साबित हुई। कम समय में ही पर्यटक यहाँ आने लगे हैं। इस जगह का जो पोटेंशियल मार्क किया, दुनिया की अजीम तरीन जगहों में से ये एक जगह होगी और यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो था, इस हिसाब से हमने यहाँ पर इको टूरिज्म एक्टिविटीज शुरू की ताकि यहाँ के जो गरीब लोग इसके झीलों के ऊपर आबाद है, जो सिर्फ वक्ती तौर पे यहाँ पर माहीगिरी का से रोज़गार कमाते हैं, तो इनको अल्टरनेटिव देने के लिए हमने यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज जो जिसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है उसको किया है, तो इसके खातिर का नतीज बरामद होने लगे हैं और मकामी लोगों को यहाँ पर इन शिकारा के जरिए टूरिस्ट को यहाँ पर इस अजीम झील की सैर कराने से रोजगार में एक नई अवसर मिली। इस क्षेत्र को सभी ने नजरअंदाज किया, यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था। 3 साल पहले जब सरकार द्वारा वुल्लर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया तो उसके बाद क्षेत्र में हुए विकास ने पर्यटकों को आकर्षित किया। शिकारा एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाम हसन ने कहा कि विभाग की मेहनत का नतीजा है कि झील के किनारे रहने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ساروی برو حکومت واریہ شکر گزار کیاز یت علاقہ اس زانی کان حکومت نیو اخ انیشیٹو اس ڈیولپمنٹ کر یا گزیبا ونا یا لوکن کرک یور مطلب ٹورسٹ آئی یور ام کے حوالہ مے باسا ام سی بڑ سنس علاقہ واریہ روزگار واریہ وکس مطلب یوان ٹورسٹ یور اس کر ٹورسٹن ویلکم تم گسن یور یین فیملی ہیت یین اصل پٹ یین یور اس کر نوکن بالکل اصل پٹ چکر مگر ات سچ چھ کی مطلب ات خیال تھون خاص خیال چھ تھون ولرس من نیر شکارا کرنے اچ امن شکارا وال تہ ون لائف سے جیکٹ گسن لگت آسن دیم یس گندگی وندگی اس تروا لی اچ کھوا یا کولڈ ڈرنک چھوا تم بوتل گسن یت مز ان تراون کی کیا یہ چھ سونی یہ چھ خوبصورت علاقہ اگر اسی کرو نی پولوشن تیل چھ فائدہ تم کی एक अन्य मछुआरे ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झील पर शिकारा चलेगी। उनके मुताबिक अथॉरिटी ने इन शिकारों को खरीदने में उनकी मदद की और बाद में इससे उन्हें काफी मदद मिली। स्टार्ट आने ऐसी मलर का राजा तमन दोन उसने यूता रशा पशा की पाते यथी वकमान यथी तावन दूत उन से शुक्र गुजार تہد تہ شکر گزار تہج وسادت سی واتا بڑن پیمان پہ بڑن اعلیٰ حکام پہ واتا تہن خبر تہندے وسادت ست یہ ٹورسٹ تیت ٹورسٹ نبرم ٹورسٹ تیت کور زیادہ پانس یہ کوشش وکمان وکمان بنو تو یہ تو ونکس یہ آسان جواب آسان دیوان یہ بچار کسان برکن اس کران یہ سون سپورٹ مگر شکر گزار تت پہ گاڑی کران گاڑی کڑان تر پہ وپان کی اور شکر خدا کم وری اخ زوت یور لگ ٹورسٹ زیادہ زیادہ ان تت پہ شکر خدا کم پن کا دہ بنا یہاں پر ایسے کئی اور مچھوارے ہیں جنہوں نے اپیکشت پریواروں کے لیے یہ سب کرنے کے لیے وولر سنرکشن اور پربندھن پرادھیکرن کی پہل کی سراہنا کی उन्होंने अधिक विकास की अपील की ताकि ज्यादा पर्यटक इस झील की ओर आकर्षित हों और अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल सके।
झील वलर को दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील का मकाम हासिल है। अगरचे गुज़श्ता दहाइयों में इस झील को गैर कानूनी तजावजात और गंदगी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा, ताहम वलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के क्याम से इस झील की शान रफ्तार बहाल होती नजर आ रही है। वुकमा की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम से न सिर्फ मकामी और गैर मकामी सयाह यहाँ की तरफ रागिब हो रहे हैं, बल्कि इस इलाके में रहने वाले गरीब माहीगीरों को रोजगार के मौका भी फराहम हो रहे हैं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। और आपको बता दें, खास रिपोर्ट में इस वक्त जो आपने रिपोर्ट देखी है, इसके बाद एक और अहम खबर। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन से उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया गया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दिया जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण भी कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी फायदा मिल सके। दर्शन जो था, जो हमारे प्राणी मांगे थी, जैसे हमारे स्कॉलर, हमारे जो हमारे बच्चों की शादी के लिए जो पैसे 25,000 रुपया जो मिलता था, तो 2016 में इन्होंने जो बंद किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी मांग आज ये थी कि उस स्कीम को दोबारा लागू किया जाए। और हमारा पेंशन का जो मसला है, जैसे कि दूसरी स्टेटों में जो रजिस्टर्ड मजदूरों को 60 साल होते ही पेंशन मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनिटी में पेंशन का अभी तक कोई नाम नहीं है। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि 60 साल से ऊपर हमारे जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनको कम से कम 3,000 रुपया महीना जो है वो पेंशन दी जाए। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी है। जी हां, फिर से आप सुने इस बात को। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी है। हैरत की बात यह है कि 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहां के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या यह है, लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहां के लोगों में उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश देखा गया। रहेगी जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है। ये जो रोड ब्यारामगला 0.2 मनई थी 6 किलोमीटर, इसकी लागत 4 करोड़ रुपया थी। जो 6 किलोमीटर रोड ने बनना था, 3 किलोमीटर रोड की अर्थ कटिंग हो गई और जो पैसा था वो कम से कम इसका 70 या 80% जो है डिपार्टमेंट ने रिलीज कर दिया। आज के टाइम में जो रोड बनी है उसमें कोई कलवट नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम स्कूल में बच्चे लाते हैं तो वो उनके साथ में ही आना पड़ता है, आके लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो पत्थर स्लाइडिंग होती है यहाँ पे। तो अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो हाँ अभी भी उठा के लाना पड़ता है। तो हमें कोई भी अभी सहूलत नहीं है, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है। कोई भी देखो, अभी भी 2 दिन से 3 दिन से बारिश हुई थी, फिर भी बंद था, पड़ा हुआ था। रोड बनी है 2.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर अभी रोड पेंडिंग है, और 2.5 किलोमीटर में उसका प्रोजेक्ट जितना अलाटेड था उसमें से 4 करोड़ में से 60 लाख रुपया अभी सेव है, और 3.5 किलोमीटर रोड बन रही है। और जो 2.5 किलोमीटर बनी है वो भी जो की तू ही है, आज भी डिलीवरी केस होते हैं, कोई मर जाता है। हम वही जो 1947 से पहले लोग जाते थे चारपाई उठा के कंधों पर, या हम एक डोली बनाते हैं, डोली में डाल के ले जाते हैं, आज भी वही हाल है। शोपिया के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की जरूरत जाहिर की और उन्हें पूरी तरह से मदद का भरोसा दिया। डीसी ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में अहम किरदार निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का मौका मिला। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने भरोसा दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र ऑडिटोरियम में एक बैंड प्रदर्शन सरगम का आयोजन किया, जिसमें नौसेना के संगीतकारों और एक लोकप्रिय स्थानीय बैंड दशहुग्स
के संगीतकारों ने परफॉर्म किया। इस मौके पर एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। काबिल जिक्र है कि लेह में नौसेना का आउटरीच कार्यक्रम का आगाज हुआ है। ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। इसी कड़ी में खास तौर से ये कंसर्ट सरगम का आयोजन किया गया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कठुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुखर्जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के नेता नरेंद्र जसरोटिया ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत देने वाले मुखर्जी को हमेशा याद रखना चाहिए। श्यामा प्रसाद जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी हुई है। इन्हीं की बदौलत हम जम्मू कश्मीर से बाहर बिना परमिट के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी डर और खौफ के जम्मू कश्मीर से बाहर किसी भी राज्य में जा सकते हैं। अन्यथा 1953 से पहले हम जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं भी जाना पड़ता था। हमें एक वीज़ा सिस्टम था, एक परमिशन लेकर जाना पड़ता था, एक परमिट बनाना जाके जाना पड़ता था। हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे, यहाँ के हमारे कितना टाइम वेस्ट होता था और लोग कितने परेशान होते थे उस समय हमें। और फिलहाल खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।